हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत इन दिनों फतेहाबाद के गांव पर सटीक बैठ रही है। फतेहाबाद के मोची वाली गांव का राशन डिपो होल्डर इन दिनों चर्चा में है। जरा पूरा माजरा समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश लॉकडाउन है, सिर्फ जरूरी दुकानें खुली हुई हैं ताकि लोगों को जरूरी सामान मिल सके और परेशानी ना हो। गरीबों का ख्याल रखते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को भी अनाज लेने की छूट दी है ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो, लेकिन उनकी परेशानी तब खत्म होगी जब उन्हें राशन मिलेगा। मोची वाली गांव के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं क्योंकि उनके पास राशन ही नहीं है। लॉकडाउन के चलते उनका काम भी बंद है और राशन न मिलने के कारण उनके पेट भरने पर भी संकट आ गया है। ये गणेश जी समस्या जी, इसके पास जाते हैं ना जब भी, वो धमकी देता है सबको, हमारे पास ये है न्यू है, ये ना राशन टाइम पर देवे, बोला मैंने कल बोल मराया था, उसके गुंठे पहला लाग लिए, तो गुंठे तो उस दिन लेना आएगा, उस दिन ही लगेंगे ना उनके, जो उनके पहले ही बांट देता है, फिर बोला पूरी नहीं आई गले से, तो आना चाहिए सारा राशन आना चाहिए इसके अंदर। ये बहुत दिन हो गया, हमने बहुत दुखी रखे, पहले भी मैंने जाके शिकायत करी थी और एक दो वर्ष से मैं चुबारा गांव से जाके ले आया हूँ, और इन सब की समस्या है, ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनको हल करो जी आप। राशन नहीं मिला जी, ये सरकार ने तो वो कह रहा था भाई ये इनको जल्दी से जल्दी राशन भेज रही है, इसके 14 तारीख के बाद कोई राशन नहीं मिला। तो सुना आपने, संकट की इस घड़ी में उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है और जब वो राशन डिपो होल्डर रघुबीर सिंह के पास जाते हैं तो राशन देने में आनाकानी करता है, शिकायत की बात करने पर धमकी देता है और बदतमीजी पर उतर आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धमकी देता नजर आ रहा है, ये आप खुद देख लीजिए। 5 बजे वो वारे ही करे ईमानदारी से तुम्हारा फालतू वाले की जरूरत कौन रे, सुनेंगे ठीक है फिर कणक दे दियो। हां कर ही फालतू देवा तो ना कह तेरे गणेश ज्यादा वो है, तो बैंस के करनी है कणक दे दियो जे मैंने, मैं 5 दिन हो चक्कर काट दिया मैंने। तू रुका की कब है? हां तो रुको, 5 बजे कौन मारे फिर का? अरे तू फालतू बात क्यों करे? फालतू की गद्दी बता फिर, सुनाओ बताई सुनाओगे के सुनाओ ये सुना दे कदी सोचदा रे कुमारन कर कोनी कोन कण दे। हां अरे कन्ना तो सुनाओगे क्यों रे? ग्रामीणों ने यहां तक आरोप लगाया है कि डिपो होल्डर ने बिना राशन बांटे ही उनके खाते में राशन चढ़ा दिया है। फिलहाल ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। से संबंधित ये समस्या है कि वो टाइम पे राशन नहीं देता है, अगर कोई एक दो दिन लेट हो जाता तो फिर वो कहता है कि सारा राशन जो है हमने बांट दिया है, आपका राशन में बचा नहीं है। अब ये मार्च का जो राशन आया था 28 से वो बांटने लग रहा है, ना ही किसी की जो बायोमेट्रिक हुई है वो अपनी तरफ से अंगूठी लगा करके 30 तारीख तक उन्होंने सबका राशन जो है कम्प्लीट कर दिया, वो आनाकानी करता है और कभी कहता है कि राशन कम आया है आपको नहीं दिया जाएगा, और रेट में भी कोई हेराफेरी करता है। हाँ जी, रेट में भी हेराफेरी कर रहा है, शुरू से ही वो जब से लेके आ रहे हैं, बाजरा 1 रुपए प्रति केजी है लेकिन वो 2 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और शुगर जो है 13.5 रुपए के हिसाब से देनी चाहिए, वो शुरू से जो है 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दे रहे हैं। हालांकि डिपो होल्डर ने इस मामले को लेकर सफाई भी दी है और खुद को पाक साफ बताया है। 62 कार्डों में जो चीनी आई थी वो बांट दी। अच्छा, जो 16 कार्ड तेल वगैरह बचे वो रह गए और जो 9 कार्ड चीनी वगैरह वो रह गए। तो उनको क्यों नहीं दिया गया? उनको तो मेरे पास जितना माल आया था वो मैंने बांट दिया, वो तो पीछे से सरकार जितना माल भेजे वही बांट सकूं मैं फालतू किसी का। कि आप चीनी जो है उसके 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेते हो और 13 रुपए लेते हैं, आरोप तो देखो कुछ भी लगाओ 13.5 रुपए किलो, और जो बाजरा है उसके 2 रुपए किलो, वो कह रहे हैं हमारे से वसूल कर रहे हैं। देखो आज वो तो 6 महीने बाद में फिर कुछ और बोल, जो बाजरा तो 2 महीने पहले बंट लिया। तो चीनी की आप 13.5 रुपए ले रहे हो? 13.5 ले रहे हैं खुले पैसे, और वो कह रहे हैं भी वो रसीद वगैरह भी नहीं देते हमें। रसीद तो वो मशीन कभी निकाला को नहीं। संकट की इस घड़ी में पूरा देश एक साथ है, जिसको जैसे भी बन रहा है एक दूसरे की सहायता कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में अपने फर्ज को भी भूल जाते हैं। मोची वाली गांव के लोग इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब ग्रामीणों को प्रशासन से ही उम्मीद है कि डिपो होल्डर पर सख्त कार्रवाई हो ताकि उन्हें राशन मिलने में दिक्कत ना हो।
हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से सतबीर लंबोरिया की रिपोर्ट।